चल 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 सेरा, पासवर्ड तो सेट करना पड़ेगा। सुन, इसी में पासवर्ड सेट कर दे। पी 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 पी, बस ठीक है ना। वैसे मेरा कौन सब्सक्राइबर मेरे रूम में आके मेरा कंप्यूटर खोल रहा है जो मैं पासवर्ड नहीं बता रहा। अरे हाँ हाँ, घर वाले भी तो लोग देखते हैं। अरे नहीं, पी 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 पी, ये ठीक है। समझ गया ना पासवर्ड क्या रखना है? पी पी पी, समझ गया ना? रख दिया मैंने, जो रखना था रख दिया ना। ठीक है, ये भाई ओपन हो गया। एंटर मार। आओ, ओपन फाइनली। ये कंप्यूटर ना पिछले 5 मिनट से हम ओपन कर रहे हैं, ओपन ही नहीं हो पा रहा है। हैंग हो रहा है, इतना स्लो है इसका प्रोसेसर। बहुत पुराना कंप्यूटर है एक्चुअली। अपना एल्कलाइन वाटर कितना एल्कलाइन हो चुका है देखो, बिल्कुल सफेद। हम दोबारा से मार्केट जा रहे हैं अभी, मैं और तुषार। मदर तो आई नहीं है, वो कह रही है कि मैं अभी लेट हो गया थोड़ा, मैं नहीं आऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं राजपुर रोड, एक पैसिफिक हिल पड़ता है, उसमें एक नीचे रेस्टोरेंट है बेस्ट बडीज। तो वहाँ की स्पगैती और गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी है, ये बोल रहा है। वहाँ पे देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। और मैं इसको बोल रहा हूँ, एक नया और खुला है 0 डिग्री, वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज मिल रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसको, डिप करके मिलते हैं उसमें, चीज डिप फ्रेंच फ्राइज। जब संदीप ऋषिकेश में था वो काफ़ी मिस करता था इस चीज़ को। मैं उसको एक कैफे में लेके गया था स्विच गार्डन में, उसने बोला यार यहाँ नहीं मिलते वो, तब देहरादून में भी नहीं मिल रहे थे कहीं पर। लेकिन अब 0 डिग्री आ गया है, पहुंच गए हैं 0 डिग्री में। बंद है क्या ये? पता ओयो था पहले, अब वो हो गया। ये तो बंद है सब कुछ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली इस होटल के अंदर है ये रेस्टोरेंट, मुझे लगा बाहर है, बंद है। पहुंच गए 0 डिग्री। भैया से रिक्वेस्ट किया कि म्यूजिक रोक देंगे वरना कॉपीराइट आ जाता है। तो एक्चुअली ये इनका मेन्यू है 0 डिग्री का, और जो इनका जो मेन है ना, अच्छा गार्लिक ब्रेड के साथ भी दे रहे हो ना ये चीज डिप, है ना? आप बता दो, कोई नहीं। देखो भाई इसको क्या बोल रहे थे आप, स्लाइडर्स। ये स्लाइडर है, छोटे छोटे बर्गर आते हैं, तो इसमें ऐसे ही थे लाल पीले हरे इस डीप। देखो यार ये देखना पिज्जा इन्हें जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये देहरादून में जो कॉन्सेप्ट लाया है ना, ये जो मैं बता रहा था संदीप को चाहिए था, तो ये ऋषिकेश में तो था नहीं, देहरादून में पहले नहीं था चीज डिप। दिल्ली में चलते थे ना पहले, मेरे ख्याल से दिल्ली में भी 0 डिग्री में चलता था, है ना? फ्रेंचाइजी है। तो अब तो सर क्या खाना है अब तो देख ले भाई। ये देखिए क्या गार्लिक ब्रेड है, अलग तरह की है ये, बिल्कुल सैंडविच कैसा है, बिल्कुल अलग वाला, हॉट डॉग की तरह है ना। अच्छा ये है वो फ्रीक शेक 289, तो 289 का पड़ता है टैक्स अलग से लगता है। अच्छा 80% होता है, 18 है ना, रेट तो है थोड़े से एक्सपेंसिव। तो ये है 0 डिग्री का जो माहौल है ना पूरा, कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ उधर, कुछ इधर, हम इस तरफ बैठेंगे। हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया तो सर? पनीर नहीं, तू गलत नाम बोल रहा है, पनीर मखनी नहीं है, पनीर पॉपकॉर्न, पनीर पॉपकॉर्न मखनी फ्राइज ये है। हाँ पनीर पॉपकॉर्न मखनी फ्राइज, जो कि हमें 250 रुपये में, और टैक्स वैक्स लगा के भाई 300 में ही पड़ जाएंगे ये। अब ये देखना है कितनी क्वांटिटी आती है, दोनों का पेट भर जाएगा, नहीं तो फिर हम दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ भी चलेंगे, है ना? सर कह रहा पेट नहीं भरेगा, ग्लास आएगा छोटा सा। अब यही तो देखना कितना छोटा आएगा 300 रुपये में। तो हमने, मैंने, प्रीति ने और तुषार ने जम के वो खाए थे साउथ इंडियन ब्लैंड ओवर में, साउथ इंडियन स्वाद वाले के, वहाँ वो मुझे याद आते हैं। कल मैंने मन्ना किचन में खाए तो भाई इतना महंगा पड़ गया, 700-800 रुपये का बिल आया। हम तीन ही थे, मदर थी और हम थी। मैं तुषार से यही कह रहा था वहाँ कितना अच्छा था, डबल स्वाद और आधा पैसा, ऐसा मिल जाए तो मजा ही है। तुषार का दिमाग तो भाई इसी में ही घुसा हुआ है। मंडे मार्केट खुलेगी। अच्छा और पुट मैंने कही थी तुमसे, कह रहा निफ्टी का पुट, निफ्टी का पुट लेकर डाल देते, सैटरडे संडे की छुट्टी, आज फ्राइडे है ना, तो मंडे मार्केट खुलेगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। और कह रहा देखो वैसा ही हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ फ्लक्चुएट होता है, यहाँ मैं सुबह यहाँ पे आ गया अपना पनीर पॉपकॉर्न मखनी फ्राइज। तो देख लो भाई ये ऊपर पनीर रखे हुए इन्होंने, 0 डिग्री इसी के लिए फेमस है। तो देहरादून में हम एंजॉय कर रहे हैं इसको, गरम हो रहा है। ठीक है भाई यहाँ पर खा लिया है, 261 में पड़ा मैं इंक्लूडिंग टैक्स। तो सार को तो बहुत एवरेज लगा है, कह रहा रिकमेंड मत कर देना किसी को, बस ठीक ही लगा, इतना अच्छा नहीं है बस। ठीक है अब हम जा रहे हैं पैसिफिक हिल, वहाँ पे हम खाएंगे पास्ता पैसिफिक हिल में। और यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी है तुषार कह रहा है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अब ये गूगल मैप पे ढूंढ रहा है, गूगल मैप पे तो यहीं का दिखा रहा है, मैंने कॉल भी कर ली लैंडलाइन का, लैंडलाइन नंबर मिल नहीं रहा इनका। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचे हैं अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा खाने को? अभी मैं और तुषार आ गए हैं सिंह सूप बार पे, जो यहाँ का फेमस है देहरादून का नंबर वन सूप वाला और मोमो वाला। तो हम सूप ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि बहुत बिजी है इस बार, तो बहुत देर तक खड़ा होना पड़ रहा है स्टाफ का मैन के पास। तो लंग फंग सूप हमारा आ चुका है पूरे आधे घंटे बाद, आधा घंटा तो लग गया होगा तुषार, है ना? ऊपर आधे घंटे से भी ऊपर 35-40 मिनट हो गए होंगे, भीड़ बहुत है भाई। वेज चीज मोमो का तो पता ही नहीं है, वो तो पता नहीं कब आएंगे। तो भाई देहरादून के मोस्ट फेमस मोमो वेज चीज मोमो आ चुके हैं यहाँ पे भाई। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रण लेता हूँ कि अब मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, बस आज आज खा। क्यों तो साहब मत बुलाइए मेरे को खाने के लिए, ठीक है? ये बुलाता है मेरे को, यही बुलाता है मेरे को हमेशा, आज के बाद नहीं भाई, क्योंकि रास्ते में थाना पड़ता है, चौकी पड़ती है। तो मैंने सोचा ये एप्लीकेशन दे देता हूँ, अगर राणा जी मिलते हैं तो देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं।
तो अभी मैं चौकी से बाहर आ गया हूँ और चौकी पे मुझे दूसरे पुलिस वाले मिले, लेकिन वो नहीं मिले जिनसे मिलना था, वो निकल गए अभी। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा मुझे ऐसा कोई टाइम बता दो कि जिस टाइम वो मिलते हों, क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। इन्होंने बोला कि ऐसा कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी। तो फिर भी इन्होंने बोला 11:30 बजे आ जाना, तो कल मैं सुबह 11:30 बजे पक्का आता हूँ। ठीक है, तो सर कल आते हैं और कल मिलते हैं इनसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आधा घंटा यहाँ बैठना पड़े, कल इस किस्से को खत्म करते हैं, ललित को बुलवाते हैं, डांट पिटवाते हैं, जो भी होगा देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है गाइस, रात के बज रहे हैं 11:15 और आज का दिन यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 8 अक्टूबर, सुबह के बज रहे हैं 10:45 और यहाँ पे माहौल इस प्रकार काफी ठंड हो रही है, ये भी बिल्कुल चिल्ड हो रहा है। तो भाई ये जो सांड है ना, ये आज फिर घुस गया यहाँ से अंदर, और कल तो हमने इसको निकाल दिया था गेट खोल के, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं नहीं निकालूंगा इसको बाहर, अभी इसे फंसा रहने दो। निकलेगा तो अपने आप ही बाहर निकलेगा, जब ये अंदर जा सकता है तो बाहर भी आ सकता है। 24 घंटे से रखा हुआ एल्कलाइन वाटर, अब इसको पीते हैं मॉर्निंग में खाली पेट। तो आज हमने बनाया राजमा, जो मैं चक्राता से लाया था, बिल्कुल दाल की तरह घुट रहा है और बहुत अच्छे से गल गया है, तो बढ़िया राजमा निकला भाई ये। सर भी तारीफ कर रहा है, कह रहा मजा आ गया, ब्रेकफास्ट हो रहा है, मतलब 10:45 हो गया, आज लेट हो गया। ये क्या है, इसमें क्यों रख रखा है ये? ये मेरा भाई कभी कभी ना खाना पैक करा करा छोड़ जाता है, बोलता है कि बाद में बताता है कि बर्थडे है मेरे कलीग का। खाना खाते खाते अपना ब्लॉग भी देखते हैं सब, मजा आता है अपना ब्लॉग देखने में सबके साथ बैठ के। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब किया हुआ लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन चेक कर लेना, बेल आइकन को ना ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि जितने भी मेरी वीडियो आती रहेंगी, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी वीडियो कब आई है, तो आप उसको इजीली तुरंत सबसे पहले देख सकते हैं, वरना मिस हो जाती है, फिर मिस नहीं होती। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, ऑल वीडियो नहीं दबाई, तो आज जब आप स्क्रॉल करते हैं तब कहीं आ गई तो आ गई, गूगल के एल्गोरिथम ने दिखाया तो दिखाया, वरना नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सांड है यहाँ पे, ये पता कैसे देखता है, कभी रेस्क्यू वाले ना आ गए हो वो पकड़ने वाले, इतने तेज रहे हैं, अगर इन्होंने हाथ में वो दिख जाए ना रस्सी वगैरह तो भाग जाएगा। अब तो बेटे तू अंदर ही रही हो, अब ना छुड़ाने का मैं बिल्कुल भी, चाहे कुछ ही हो जाए, मैं इसको बाहर नहीं निकलवाऊंगा। यहाँ से कूदा भाई, देखो यहाँ से कैसे कूदता है ये, अब इधर से तो कूद जा, उधर से वहां से बाहर कैसे कूदेगा। तो फिर एक बार हम निकल गए घर से बाहर, इस बार मैं तो सार और मम्मी भी आई है साथ में। अभी कल हम जब वहाँ गए थे चौकी में, तो उन्होंने बोला था 11:30 बजे आ जाना, तो हल्के से हम लेट हो गए हैं और 12:30 बज रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे वो चौकी में पुलिस वाले राणा जी मिलते हैं या नहीं। तो ठीक है भाई, एक बार फिर से नहीं मिले मुझे वो राणा जी आईटी पार्क पे, तो अगली बार फ़ोन करके ही आऊँगा, अभी वापस बाकी काम निपटाते हैं जब तक। तो अभी मैं सस्ताधारा रोड के पास ही एक भैया के पास जा रहा हूँ, हरी भैया के पास जा रहा हूँ, वो आप यूट्यूब पर पहले भी आए हैं। तो सर जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, भैया का प्लॉट दिखाऊंगा, उसके बराबर में जंगल और सामने जंगल, हिरन फिरन ऐसे घूमते रहे और यहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं। ठीक है, पहुँच गया भाई हरी भैया के पास, ये जंगल है यहाँ पे पूरा, एक तो घर वहाँ भी बन गया, छत से ही पूरा जंगल देखो, काकड़ लेपर्ड सब कुछ घूमते रहते हैं यहाँ पे, देख रहा तो सर पूरा घना जंगल है बिल्कुल, और छोटा मोटा जंगल नहीं है, कॉर्बेट की तरह है। तो ये हरी भैया का लड़का है, ये रहा देख रहा है, डर गया पीछे भाग गया। चलो एक्चुअली भैया ने हमें बुलाया यहाँ पे, इनका वो था नवरात्रों का क्या था, सत्संग था क्या था, जगराता, इस तरफ भी भैया ने पेड़ लगा दिया। भाई कितनी जमीन ले लो, पूरे में जमीन ही जमीन है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और भाभी जी कैसे हो? बस ठीक। अरे छोटू देख, इधर आओ, हम तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाए हैं खाने की, बढ़िया बढ़िया। हाँ। चाहिए? हाँ। मैं दूंगा इसको, तो लाओ दिखाओ। इसमें क्या क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीज, अरे अभी तो मैंने दिया भी नहीं, अभी से छीन रहा है, रुक जा, अभी नहीं दे रहा मैं। चलो चलो, अब ये मेरे पीछे ऐसा जब माइल आता है देख, क्या कह रहा, दे दो, यूं कह रहा दे दो, कह रहा दे दो, गेट भी खोल दिया इसने तो। ये देखो भाई ये कह रहा है, ये मेरे भाई ने डिजाइन किया था, मोनू ने डिजाइन किया था, ये पता मोनू ने डिजाइन किया था ये वाला घर देख, मतलब एक कमरा ये नीचे, अब रुक जा अभी दे रहा हूँ एक ही, और कितना फैला रखा इसने, एक कमरा ये रहा, तो एक कमरा ये रहा, और एक देख किचन कितनी बढ़िया बना रखी है, देख कितनी बड़ी किचन है ना, एक ही कमरा है कि देख कितनी बढ़िया किचन है, कितना बढ़िया है भाई, है ना, बिल्कुल स्पेसियस है। इसने रोक लिया मेरे को, किचन में नहीं जाने दे रहा। ये बाथरूम भी भाई कितना बड़ा बना रखा भैया ने, अरे वाह देख ना भाई ने, मोनू ने कितना बढ़िया डिजाइन कर रखा है, बाथरूम देख बिल्कुल स्पेसियस, और उस तरफ, इस तरफ से पीछे का रास्ता भी है देख,
पीछे भी है, पीछे भी ऊपर भी है। चलो अभी तो चलते हैं। ले 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 ले, ये क्या है? चलो दिखाओ हमें भी क्या क्या है, मुझे भी नहीं पता, मम्मी ने लिया है, यहाँ पे रखो। अरे अंकल से ले लिया आपने? थैंक यू बोला अंकल को। थैंक यू, हमें भी दिखाओ ना क्या क्या है इसमें, निकालो। अब बताओ, टेबल पे निकालो। बनाने वाले आ रहे, कुछ भी बनवा सकते हो, सब भी आ रहे। आलस चिप्स पूरे दिन पड़ी रही। अरे फ्रूटी है अंकल तो थे नहीं। अरे वाह, खाली हो गया। तो भैया ने टीवी भी खरीद लिया, टीवी भी खरीद लिया ना। अच्छा तभी से ये स्पीकर भी ना। हाँ, ये भैया के मम्मी पापा हैं या आपके हैं? भैया के ना, ये राजस्थानी है ना भैया, तो देखो राजस्थानी परिधान। तो भैया रहते हैं राजस्थान में नीम राणा फोर्ट के पास, जिनको पता होगा नीम राणा फोर्ट, उसके पास है इनका गांव। दिखा ना, भाभी जी बता रही है यहाँ से लेपर्ड दिखाई दिया भाई कई बार। हाँ ये जो अच्छा, हाँ हाँ अभी तो झाड़ियाँ ज्यादा है। हाँ तो पहले जब गर्मी का टाइम था मैं तो वो आके बैठ गया और ये बच्चों को ऐसे ऐसे देख रहा। अच्छा, फिर बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों की नजर जब उसके ऊपर पड़ी फिर वो चला गया। अच्छा, और काकड़ तो नॉर्मल ही है, मोर भी नॉर्मल है ना। हीरा नहीं, सिंह सामने वाले प्लॉट में तो खेलते ही रहते। अच्छा, अरे वाह, मैं बता रहा हूँ ये राजा जी नेशनल पार्क से कम नहीं है जगह, ये बहुत खतरनाक जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। मेरा तो बहुत अच्छा लगा, पता है यहाँ पे होकर ऊपर होम स्टे बन जाए ना, बड़े बड़े ग्लास में, मतलब रूम बन जा, तो यहाँ फोटोग्राफर आके बैठ जाएंगे, बड़े बड़े कैमरे लेके, कितनी फोटोग्राफी, क्यों फोटोग्राफी तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अलग अलग तरह की चिड़िया है यहाँ पे इतनी, बिल्कुल कौन आया है, रंग बिरंगी। अच्छा, वो जो उड़ेगी ना तो वैसे ये कोई रेड कलर की को कैसे इतनी सुंदर सुंदर इतने अच्छे बड़े बड़े उनके भाई भाई। और यहाँ पे ना रेट मतलब 18-19-20 इस तरह के हजार रुपए का जाए, और भाई बहुत खतरनाक सी, बेस्ट है ये, बिल्कुल जंगल का कोना है, मतलब सामने जंगल है, लेफ्ट में जंगल है। मेरे कहने लोग मुझे बोलते थे भाई सब बताओ कहाँ ले प्लॉट, पर मेरे कहने से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अगर करे ना यहाँ पे बनाए और रूम बनाए भाई मजा आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब राजा नेशनल पार्क वाला फील आता है। छोटू क्या बोल रहा था बता, क्या बोल रहा था? ये वाली नीले वाली कार चला के दिखा कैसे चलती है, चला बस ऐसी चलती है, ये तो बेकार है, मुझे लगा कुछ अजीब से चलती होगी, इसमें बैटरी सेल वेल लगते होंगे ना, ऐसे पलटती होगी ना ये ऐसे करके, ये अपने आप सीधी हो जाती होगी है ना, ये वही वाली तो है जो अपने आप सीधी हो जाती है। चला के दिखा, इसको चलानी नहीं आ रही, छोटा है अभी, पूरे घर में भाई इसने पता नहीं देखना कितने सारे इसके, ये पूरे सब कुछ तहस नहस कर रखा, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा पूरे घर में, वहां भी यहाँ भी। भाई ये बहुत देर से घूम रहा है, गिरने वाला बस अभी, कपड़े धो दिए मैंने, कपड़े धो दिए, ये इसकी अच्छी ट्रिक है, जानबूझ के घूम रहा है ये, जानबूझ के, अभी गिरने वाला है कम से कम 5 मिनट में, गिरेगा 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 गिरेगा। मैंने कहा मैं सुखा भाई, बहुत देर से घूम रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग करना तो बहुत बाद में चालू किया है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, ऊपर हो जा, खड़ा तू रह रही है, घूम घूम घूम, बेटे असली है तू। चलो अपनी छत दिखाओ, मैं छत पे चलते हैं, आ जाओ। अरे इस पे बैठ गया, मैं बोल रहा हूँ छत पे चलते हैं, चलो आ जाओ। अबे 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 अबे, अबे। तो मैं यहाँ पे छत पे आ गया हूँ और छत से व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो कितना डेंस फॉरेस्ट है भाई, उस तरफ कुछ घर बने हुए हैं, फिर उस तरफ तो काफ़ी बसावट है, इस तरफ भी फॉरेस्ट है, एक तरह से कह सकते हैं चारों तरफ ही फॉरेस्ट है यहाँ पे, और कुछ घर वहाँ पे बनने लग रहे हैं, और एक वो बन गया, और देखो पीछे ये पूरा फॉरेस्ट है, ये वही खलंगा वाला पहाड़ है, इस पहाड़ की उस तरफ ही तो हमारा वो स्थल विलेज है जहाँ पे प्लॉट है हमारा। इन्होंने लेपर्ड 2-3 बार यहाँ पे देखा जहाँ पे बास है, और मैंने अपनी आंखों से खुद ऐसे काकड़ को देखा है, मोर इतने हैं पूछो मत, और अभी भी नदी बह रही है छोटी सी, मतलब एक स्ट्रीम आ रही है, जब ज़्यादा बारिश आती है तब तो यहाँ से प्रॉपर नदी आती है, अभी छोटी सी स्ट्रीम आ रही है, ये आ रही है, अभी पानी चल रहा है, दिखाऊंगा वहाँ जाके। और ये हरी भैया का लड़का जब से हम आए हैं जब से बस भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। कैसा लग रहा है, प्रॉपर जंगल है ना चारों तरफ,
देख कितना बेहतरीन है। अभी तो ये मानसून का रंग है इसका, अभी जैसे वो आएगी ना नवंबर दिसंबर तब देखना क्या खिलखिलाती धूप और फिर ये रंग बदलते हैं ना लाल रंग का हो जाता पूरा। तो भाई अगर देहरादून रह रहे हो और ऐसी जगह बहुत हैं देहरादून में अनगिनत, तो ऐसी जगह कि आप जंगल के किनारे प्लॉट ले लो, इस प्लॉट के ना कभी इस तरफ कुछ बनेगा ही नहीं है, फॉरेस्ट है, स्ट्रीम आ रही है फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट ही रहेगा, ये पूरा फॉरेस्ट लैंड है। आप सोचो कि आपका यहाँ पर कमरा हो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, एक ग्लास की विंडो हो, बालकनी हो, अपना आप फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है या कोई भी है, अनगिनत तो चिड़िया यहाँ पूरा दिन देखते रहिए, मोर की आवाज़ सुनिए शाम को, सुबह को, सुबह की भाई वाइब्स है ना 5-6 बजे की, तो यहाँ पे ना जो मॉर्निंग वाइब्स हैं जब आप सुबह सुबह 5, 5:30, 6 बजे सुनो, आपको एक तो नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है और इतनी सारी चिड़ियाएँ बोलती हैं वो आपको ऑटोमेटिक जगा देती हैं, आपको अलार्म कॉल की जरूरत ही नहीं है, और इतना अच्छा रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट, इतनी अच्छी सांस लेने में मज़ा आता है यहाँ पे, बिल्कुल नेचुरल है, और सिर्फ देहरादून के अंदर सस्ताधारा रोड के पास। ये जो सामने प्लॉट है ना तेरे, ये कैसा है बता? अरे वो तो बिल्कुल ही पीछे जंगल ही है, वो वाला प्लॉट है वहाँ पे, बाउंड्री हो रखी है, डिफरेंट है ना, जानवर भी है कोई। हमने कुछ फोटोग्राफी की है, बढ़िया आ रही है भाई। तुषार के पास आईफोन 13 है, इससे यकीन नारा तो देख लो, एप्पल का लोगो तो दिखा दे यार दुनिया को, हाँ ये देख लो यकीन नारा हो, कोई बोलेगा ना झूठ बोल रहे हो, 12 है, टक्कर दिख गया, ये देखो ये रहा हिल रहा है ना, ये रहा यहाँ की वाइल्ड लाइफ दिखा रहा हूँ, कितने सारे काकड़ हैं आसपास, डियर नहीं है काकड़, ये रहा काकड़ होता क्या, सींग हो गए थोड़े से काकड़ के, बस ये हो, ये छोटे वाला डियर तो चीतल हो गए, अच्छा ये दूसरे वाला है, ये रहा भाई काकड़, ये रहा एग्जैक्ट यहाँ पर है, इसमें इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा क्योंकि वो उस तरफ निकल गया, या इधर से दिख सकता है, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब तो मान के तो सारी यहाँ की वाइल्ड लाइफ है ना हजारों में है, ऐसी दिख जाए, मैं पिछली बार भी आता तब भी दिखा, देख अब भी दिख गया, घना जंगल हो रखा है ना, तो इन्हीं को पकड़ने के लिए ले पड़ाते हैं, अबे यार ये गिरेगा, इसकी मम्मी ने बोला इसका ध्यान रखना, तो इतना क्यों चढ़ता है, ऐसे नहीं लटकना, ठीक है ठीक है, तेरी मम्मी ने बोला था कि मुंह धो लेना यहाँ से भी, ये क्या है, ये पूरे नाक लगी पड़ी है पूरे मुंह पे, धोना है कि नहीं धोना है, चील देखो भाई चील, इसको देखने आते हैं फोटोग्राफर, कितनी बड़ी चील है, हो गई ए बैठ गई बैठ गई, ये रही भाई, पूरा दिन कुछ भी देखते रहो यहाँ बैठ के, फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट है। चलो इस छोटे बच्चे से इंटरव्यू लेता हूँ, इसने क्या क्या देखा है ये बताओ, तुमने यहाँ कौन कौन से जानवर देखे हैं, जानवर देखे, भालू देखा, भालू, लेपर्ड देखा, लेपर्ड, टाइगर, डियर देखा, डियर, बर्ड्स देखी, बर्ड्स, बर्ड्स देखी हैं इसने, एकदम से बोला, बर्ड्स कैसी, येलो कलर की देखी नहीं, फिर रेड कलर की नहीं, ब्लैक कलर की नहीं, ब्लैक कलर के भी, तो किस कलर की ब्लैक बर्ड देखी है, ये तो डियर इसके सामने रहता, कह रहा डियर नहीं देखा, ये बेचारा छोटा है ना एक्चुअली इतना देख नहीं पाता होगा, इसकी मम्मी, लायन देखा, एलिफेंट, हाँ देखा, एलिफेंट, एलिफेंट देखा इसने यहाँ पे, एलिफेंट देखा, यहाँ पे एलिफेंट नहीं एक्चुअली देखो ये रास्ता यहाँ से जा रहा है जंगल में, ये पगडंडी दिख रही है, यहाँ से आप जंगल में पूरा घूम के आ सकते हैं कहीं भी, पर खतरा है, खतरा मतलब ऐसा कोई खतरा नहीं है तो सर, बस ये अभी तो काकड़ वगैरह घूम रहे हैं नीचे, अभी तो ऐसी आहट नहीं है, पर ये हो सकता है कोई लेपर्ड ने बच्चे बच्चे दे रखे हों, भालू है नहीं, टाइगर है नहीं, एलिफेंट है नहीं, पर सांप वगैरह अब काफ़ी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है एक बंदा अकेला नहीं जा सकता, चला जाएगा अकेला, कम से कम 2-3 बंदे चाहिए, और इसमें सबसे अच्छी बात पता है, रात को चले जाओ टॉर्च लेके, होरी वो क्या मजा आ जाएगा है ना, अर्ली मॉर्निंग चले जाओ सुबह 5 बजे, अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये देखो ये बच्चा अकेला रहता है यहाँ पे, इसका ऐसे घूमता रहता है ना, इतना मन लगता है, ये है स्ट्रीम आ रही है यहाँ पे, ये वाला मेरा ड्रीम प्लॉट है, सोचो पीछे जंगल है, काकड़ है, लेपर्ड है, सब कुछ है, और पीछे बालकनी लगा दो, पूरा वैसे तितलियाँ उड़ती रहती हैं पूरा दिन, और अभी तो मानसून है तो वैसा लग रहा है, सर्दियों में तो बहुत भी बहुत अच्छा लगता है, देखो अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, बांस हैं, ये देखो ये वाइट कलर का, ये और बालकनी से क्या व्यू, और बड़ा सा कांच का विंडो हो उससे पूरा जंगल का व्यू, ऐसा प्लॉट कहाँ मिलता है यार, कहाँ मिलता है, सामने भैया का घर, बाय मिलते हैं बाद में, ओके बाय। तो अभी हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल की तरफ, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है।